मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि ऊर्जा पावर ये हमारी लाइफलाइन है। जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें ऊर्जा एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और जैसा अपने को पता है कि हरियाणा में पिछले 9.5 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही हमने महत्वपूर्ण काम किया है। पहली बात तो हमारी जो डिमांड है, 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी उस समय 9000 मेगावाट हमारी डिमांड थी, और अभी बढ़ करके वो डिमांड 14000 और मेगावाट ये हो गई है। इसकी आपूर्ति हम लगातार अपनी बनाए हुए हैं। जहाँ तक हमारी अपनी ऊर्जा का उत्पादन का विषय है, अभी तक हमारी वो ऊर्जा 2582 मेगावाट अपनी हम बनाते रहे हैं। इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हमारे बंद हुए हैं। पानीपत के खास करके पहले 3 प्लांट 600 मेगावाट के हमारे बंद हुए हैं, और उसके बाद नई ऊर्जा के प्लांट और बनाए जाएँ। इसके अंदर आज एक महत्वपूर्ण जो देखा हमने कि उड़ीसा का ये जो महानदी बेसन पावर लिमिटेड के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से एक प्रोजेक्ट का जब ऑफर मिली, उस ऑफर में हमने आज 800 मेगावाट का एक समझौता इनसे किया है। ये 800 मेगावाट हमको मिलेगी, और साथ ही यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट पहले हमारा चल रहा है 600 मेगावाट का, उसके साथ 800 मेगावाट का एक नया प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी होगा। तो ये हमारी बढ़ करके जब 1600 मेगावाट ये और हमको मिल जाएगी, हमारी अपनी 2500 और 800 3382 हो जाएगी, और उसके अतिरिक्त ये जो बाहर से हमको मिल रही है ये हमारे उस पूल में जुड़ जाएगी, ताकि हमारी जो 15000 की आज 14000 मेगावाट की जो आवश्यकता है, जब तक ये लगेंगे पूरा होंगे, हो सकता है उस समय और 1000 मेगावाट के लगभग उसकी आवश्यकता और पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इसकी आपूर्ति से हो जाएगी, और हम पहले भी आत्मनिर्भर हैं, पावर में कोई कमी नहीं है, जितनी हमारे पास है वो ठीक है। उसके अलावा हम मार्केट से खरीदते हैं, खास करके उसमें हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, जो सामान्यतः सस्ती मिलती है, उस नाते से हमारी पूर्ति हो रही है। और पावर की हमने कमी नहीं आने दी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो अथवा डोमेस्टिक हो। बल्कि डोमेस्टिक में तो हमारा जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 24 घंटे बिजली देने की जो बात कही थी, आज 5800 गाँव ऐसे हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली आपूर्ति दे रहे हैं, और जिसको जितनी बिजली जिस समय चाहिए उतनी दे रहे हैं, कहीं कोई पावर की स्थिति ऐसी नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आज हमारा ये हुआ है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। आज खरीफ सीजन 2023 में खराब फसलों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का वितरण होना है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रकम दबाकर 8615 किसानों के खातों में 18,67,00,000 रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर करें। चलाइए। इसके आगे के भी कर लो सर। बाकी आज किसानों को विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी जो मिली है उसका भी आज वितरण होना है। सबसे पहले भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा के लिए 170.84 करोड़ रुपए, इसके बाद धान की सीधी बिजाई डीएसआर योजना के तहत 24.42 करोड़ रुपए, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 25.10 करोड़ रुपए, प्राकृतिक खेती योजना के तहत 1.20 करोड़ रुपए, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के तहत 237 करोड़ रुपए,
मित्रों, ये था कुल मिलाकर किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनके जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज़ किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से कोई टेक्निक के नाते से हो तो वो उसके लिए हम नई नई चीज़ें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो ख़राब फसलें खरीफ सीज़न 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की है और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज़ की गई है तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग ज़िलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ बाढ़ आई थी 4 ज़िले उसमें हैं जहाँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा है जिसके अंदर अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है, ऐसे 4 ज़िले सब ज़िलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन ज़िलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है, तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है उसकी भरपाई योजना, पहले 650 रुपया गया था फिर 400 रुपया गया था, इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जहाँ अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज़ किया है। 170 करोड़ रुपया 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपये भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ से 71 लाख ऊपर, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1,088 करोड़ रुपया अभी तक दिया है और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाज़ार में बेचता है तो जो एवरेज रेट वहाँ उस इलाके का होता है और जो MSP होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसकी बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2,200-2,250 रुपये में, जबकि इसका जो MSP रेट था वो 2,500 रुपये था। इस प्रकार ऐसे दूसरा जो विषय था इस समय धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं, जिसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और 25 करोड़ रुपया जो है आज 19,500 किसानों को ये आज दिया गया है। इस योजना में 7,000 रुपये प्रति एकड़ ये जो है हम बाजरा छोड़कर दूसरी फसल कोई बोता तो उसको दिया जाता है। सीधी बिजाई बाजरे की DSR जिसको कहते हैं उसका भी आज 24 करोड़ रुपया रिलीज़ किया गया है। इसमें 4,000 रुपये प्रति एकड़ ये दिया जाता है और इसमें भी 47 करोड़ रुपया पहले दिया गया और 24 आज है तो 71 करोड़ रुपये की और ये जो राशि है ये हमने टोटल मिला करके इसमें खर्च कर चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती इसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके दो इसके कंपोनेंट हैं, एक तो
जो ड्रम है प्लास्टिक के ड्रम, चार ड्रमों के ऊपर उसको अपना प्राकृतिक खाद तैयार करने के लिए, और 3000 रुपया ये दिया जाता है। और दूसरा घटक है इसमें देसी गाय, जिसके गोबर से और ये प्राकृतिक खेती के लिए मैन्योर तैयार होता है, उसका 25000 रुपया एक राशि उसको गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है। तो ऐसा 2680 किसानों को 1,20,00,000 रुपया ये दिया गया है। एक अगली योजना है, जैसा हम पता कि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा ने अपने सब प्रयत्न किए हुए हैं, उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें एक योजना है कि मशीनरी की जो खरीद है उसमें 50% पैसा अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता उसको देते हैं, और अगर सामूहिक तौर पर दिया जाता है तो उसमें 80% भी दिया जाता है, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को, और प्रति एकड़ पराली की गांठे बनाने पर भी 1000 रुपया पर एकड़ ये दिया जाता है। ऐसे सब मिला करके आज की इस योजना में पहले घटक में 120 करोड़ रुपया और दूसरे घटक में यूनिट 25 रुपया पर BHP, हाँ पर BHP, तो वो सब इतना सस्ता देते हैं लेकिन कॉस्ट तो ज़्यादा है। उस कॉस्ट का जो डिफरेंस है, आज भी 6200 करोड़ रुपया हम जो है सब्सिडी देते हैं, और आपकी जानकारी के लिए ये सब्सिडी भी प्रोपोर्शनेट जितनी खपत बढ़ी है उसमें प्रोपोर्शनेटली कम हुई है, वरना एक समय था किसान की खपत जितनी थी उसमें 2009 में ये 5200 करोड़ रुपया थी, और आज 2024 में नहीं दो नहीं मैं 14 की बात कर रहा हूँ, 14 में ये 5200 करोड़ था, आज 24 में 10 साल के बाद सब चीज़ें डबल हो गई हैं, लेकिन बिजली की सब्सिडी जो है 5200 से सिर्फ 6200, सिर्फ 20% ही इंक्रीज उसमें हुआ है। ये भी हमारी उसमें एक उपलब्धि ही मैं मान के चलूँगा। पीएम साहब ने जो एक योजना सोलर प्लांट की अभी शेयर करी थी, उसके ऊपर सर कुछ परिवर्तन हम सोलर प्लांट योजना में यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि 300 यूनिट बिजली फ्री की बात उन्होंने कही थी उसके अंदर। देखिए वो योजना चूँकि केंद्र सरकार की ओर से 3 करोड़ कनेक्शन देने की बात कही है, और 300 मेगावाट गरीब परिवार को मुफ्त से मिलेगी, और उसके बदले में सोलर के जो अपरेटस हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगा करके सरकार देगी, और उसमें अगर बिजली बचती है तो उसका पैसा भी वापस मिल सकता है कंज्यूमर को। लेकिन ये केंद्र की ब्रॉड एक योजना है, उसमें स्टेट वाइज उन्होंने एलोकेशन करना है कि कितने परिवारों को किस स्टेट में लगाना है, वो योजना हमारी उसके अंदर जो भी कोई टॉप अप होगा अपने बजट में घोषणा करेंगे। मैं बोल रहा हूँ एक मिनट, सुन तो लो, मैं करूँगा, मैंने जो चीज़ें की हैं लेट दोज थिंग्स कम। हाँ फर्स्ट देखिए अभी तो क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है, और पायलट प्रोजेक्ट जब शुरू किए जाते हैं तो बहुत से अनुभव आते हैं, उस अनुभव के आधार के ऊपर कोई चेंज करना होगा तो बाद में करेंगे। और अभी ये कुल मिलाकर के उनको जो यानी खर्चा तो लगभग 7-8 हज़ार रुपये महीने का ऐसा अनुमानित है, एक व्यक्ति का खर्च 7-8 हज़ार रुपये महीना हो सकता है, तो उनको हम उनके अपने खर्चे के लिए 1000 रुपये उनकी जेब में देंगे, बाकी जो उनका पैसा है वो सरकार खर्च करेगी, जो पहले से 3000 करती है वो 1000 रुपये उनकी जेब में जाएगा, 2000 वो और 6000 रुपये और जो है सरकार का वो उसमें जाएगा। मैंने बताया देंगे और उनका खर्च भी देंगे, जगह भी देंगे, और खर्च में जितना वो स्वयं कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ सरकार से जो खर्च है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम में अगर वो चलाने के लिए आते हैं तो आवेदन करने के बाद उनको देंगे। बहुत ऐसी सेवाभावी संस्थाएं हैं जो करेंगे। एम्स की क्या तैयारी है, 16 का जो प्रोग्राम है कल सामने आ जाएगा? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, देखिए हमारा सौभाग्य है कि कल प्रधानमंत्री जी हरियाणा में रेवाड़ी में आ रहे हैं, जो एम्स का प्रोजेक्ट वर्षों से जो लटका हुआ था और जमीन के कारण से लटका हुआ था, कहीं फॉरेस्ट की समस्या थी कहीं जमीन मिल नहीं रही थी, तो बाद में माजरा गांव ने वो जमीन हमको उपलब्ध कराई है, और उस जमीन के ऊपर अब शिलान्यास कल होने जा रहा है, उसका टेंडर हो गए हैं, और अब जो है कल जब हो जाएगा शिलान्यास तो विद इन जो नॉर्मल पीरियड है लगभग 2 साल उसके अंदर वो एम्स चालू हो जाएगा। नहीं नहीं वो सामान्यतः कोई मेडिकल कॉलेज होता तो 2 साल के आसपास होता ही है, और उसके साथ ही कल जो है एक उनका उद्घाटन कर रहे हैं हमारा जो कुरुक्षेत्र में
हाँ ज्योति सर अनुभव केंद्र, वहाँ एक म्यूजियम है लगभग 300 करोड़ रुपए का म्यूजियम, उसका भी उद्घाटन कल करेंगे। और तीसरा है मेट्रो जो गुरुग्राम, गुरुग्राम शहर की जो मेट्रो है उसका भी कल वो शिलान्यास करेंगे। कुछ रेलवे लाइंस हैं खास करके रोहतक से और हांसी की रेलवे लाइन, और उस पर कल ट्रेन भी चला करके हरी झंडी दे करके वो रेलवे ट्रेन भी चलाएंगे। कुछ रेलवे लाइंस का दोहरीकरण है, कुछ का सुदृढ़ीकरण है, तो ऐसे 5 रेलवे के प्रोजेक्ट हैं इस प्रकार से का। बाकी और लोग कुछ कहाँ देखिए, इसराइल की डिमांड सारे देश भर के लिए 10,000 की है, वो केवल हरियाणा की नहीं है, वो कहाँ से कितने सिलेक्ट करते हैं उस पर निर्भर करता है। हम अपने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे पिछली बार वो आए थे तो उन्होंने मेरे ख्याल 1500 के आसपास लोगों के इंटरव्यू लिए थे, जिसमें से 250 के आसपास हरियाणा के सिलेक्ट हुए, लेकिन बाकी जगह की उनकी सिलेक्शन को उन्होंने अभी रोका है, होल्ड किया है। उनको हमारा जो सिस्टम है वो पसंद आया तो उनका इसी सिस्टम से लेंगे, हम ट्रेनिंग जो पार्टनर हैं उनके माध्यम से नहीं लेंगे। तो इसलिए अब कौशल रोजगार के माध्यम से अथवा जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसके माध्यम से, स्टेट डेवलपमेंट मिशन है उसके माध्यम से अगले खेप में कितने जाएंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी, बाकी जगह कम है, कम है। दुबई से भी हमारे पास एक 25 लोगों की डिमांड आई थी, उसमें से हमने पवन जी हैं या हाँ कितने दुबई कितने गए हैं, अच्छा चले गए, तो दुबई भी हमने कुछ भेजे हैं, लेकिन अलग अलग देशों से जैसे जैसे डिमांड आ रही है। प्रारंभिक चरण से हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट इसमें लगा है एक्टिवली, और शायद मुझे लगता है कि एक यहाँ जैसे डिमांड थी तो 2,500 की डिमांड और देशों के भी है। हम इसमें तो इतना ही चाहते हैं कि जो गलत तरीके से हमारे प्रदेश का युवा, खास करके ये जो डंकी रूट है, कबूतरबाजी है, ये शब्द प्रचलित हुए हैं, और वहाँ जाने के बाद पता ही नहीं लगता व्यक्ति कहाँ गया क्या नहीं, 2 नंबर में जाते हैं सब, इलीगल तरीके से जाते हैं, तो उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनको एक अश्योर्ड तरीके से उनकी सुरक्षा भी, बाकी सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो इसको शुरू किया है, टारगेट तुम्हारा बहुत बड़ा है कि हम कितना कर पाएंगे, विल सी। तो खैर कुल मिला के ये सारे विषय आ गए। अब एक विषय जिसके लिए बार बार हमारे कुछ मित्र उस विषय को उठा रहे हैं, मैं उस पर अपनी बात कहूँगा पहले। मैं अभी जितना हाँ जितना मेरे पास जानकारी है उतना ही दूंगा मैं, क्योंकि उस विषय की जानकारी अभी जैसे आएगी, क्योंकि 3 दिन से ये सारा विषय चल रहा है, और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे वो सब था। और देखिए मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूँगा कि पहली बात तो है कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का ये ज़रूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है, आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोस आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी हार्ड ड्रो और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए, आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है, आखिर ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज़ नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये एक हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है, तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें, ऐसा चैलेंज होता है। ये एक प्रकार का
एक अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है, और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं, और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपत्ति कैसी ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चरूड़ी की प्रशंसा करता हूँ। गुरनाम सिंह चरूड़ी ने यह कहा कि हम चुनाव लड़के जाएंगे और किसान की बात लोकसभा में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। आह्वान है हमारा, लोकतंत्र तरीके से कोई जाए, कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले, बहस चले। लेकिन जैसे हरियाणवी में कहा होता ना, मैं तो ना मानूं। अब ये उचित नहीं, जिस तरह से तनाव हो रहा है बॉर्डर पे, दोनों स्टेट के रिलेशंस में भी फर्क आ रहा है। अच्छा है, ऐसा है, पंजाब का अनुभव नया नया है, हमारा अनुभव बहुत पुराना है। अगर ये पंजाब में एक साल भर ऐसे चलता रहा जैसे हरियाणा ने झेला है, तो पंजाब हमको बताएगा कि उनका अनुभव क्या रहा। ठीक है ना, देखिए इसमें तो मेरा निवेदन यही है पत्रकार बंधुओं से कि अपनी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी कई बार होड़ में आ जाते हैं। क्या क्या वो क्या आती है, लीडिंग न्यूज, यानी अब मैं आपको वहाँ का नहीं, मैं आपको अपने हरियाणा का उदाहरण बताता हूँ। हमने बहुत उस समय भी समझाया था, पंचकुला में हमने एक स्पेस बनाया था अलग से कि आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ रखिए और जो कुछ कवर करना यहाँ से करिए। तो हमारे पत्रकार मित्रों ने, अपने ही भाई हैं आप सब हैं, तो क्या किया था, वहाँ सब दौड़ दौड़ के अंदर घुसे, चोट लगी ना। देखिए आपने बहुत अच्छा ये विषय इस ढंग से उठाया है। मैं अपने पंजाब के किसान भाइयों को ये निवेदन करता हूँ, केंद्र वाली बातें कब तय हो कब नहीं हो, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी तरफ देख लें। जो कुछ हम कर रहे हैं, हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है, यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। हम 14 फसलें अपनी ये MSP और खरीदते हैं, वहाँ 2 फसलें सेंटर, वो तो खरीदनी, क्योंकि सेंटर का एक मैंडेट है, धान है और गेहूँ है, तीसरा अगर कह सकते तो गन्ना है। गन्ने पर को भी अशोर प्राइस के ऊपर लेते हैं, हमारी मिलें हैं, सरकारी हैं या कोऑपरेटिव करती हैं। इसके अलावा पंजाब में तो और कोई फसल नहीं खरीदते। हमने बाजरा भावांतर पर कर लिया, सब्जियां भावांतर पर कर ली, हमने हमारे यहाँ मूँगफली होती है वो हमने लेनी शुरू की है, मूँग है वो लेनी शुरू की है, तिल है वो लेना शुरू किया, सरसों वो लेना शुरू किया, सूरजमुखी वो लेना शुरू किया। सूरजमुखी में भी 1000 रुपये हमने भावांतर दिया ना, अब 100-200 रुपये ऊपर नीचे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ 5000 रुपये में बिक रही थी, 5200 रुपये में बिक रही थी, हमने 1000 रुपये भावांतर दिया, 6200 हो गया ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सारी चीज़ें आपस में बैठ करके की जा सकती हैं। अगर हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीज़ें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे वहाँ पूरी करा ले, तो पंजाब के वहाँ सबसे ज़्यादा न्यूसेंस है। ज़मीनें उल्टा पुल्टा करने में जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहाँ भी होता है। हमने ज़मीनें किसान की खरीदने के लिए किसान के ऊपर छोड़ दिया, भैया सहमति से लेंगे, ई भूमि पर आप डाल दो, आपको बेचनी है तो हमारी डिमांड है तो हम भी डाल देंगे, आप रेट अपना तय करो, रेट के बाद बैठ के नेगोशिएट करते हैं और उसमें समस्याएं हल होती हैं। कोई ब्लेम इस समय तक का या किसान उसके हमने जबरदस्ती ज़मीन ली, कोई एक भी आया 10 साल में नहीं आया है, तो किसान से कैसे डील करना। और आज हमने जो बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक की हैं उनमें ज़्यादातर लाभ तो सारे समाज के उस वर्ग को मिला है जो गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। पारदर्शी नौकरियां, इसका लाभ किसान को बेटे को नहीं मिल रहा क्या? वो मांग पत्र में डाले हमारे हरियाणा के लोगों को हमने कहा है, और हरियाणा का लोग समझने लग गया। आज हरियाणा का आदमी
ठीक है, छोटे मोटे घटनाएं होती होंगी, छोटे मोटे लोग वहाँ जाते भी होंगे, एक आध बेल्ट में कहीं 200 500 हज़ार 2000 लोग ऐसे तैयार भी रहते होंगे, लेकिन आज पंजाब हरियाणा का किसान पंजाब के किसान को कहता है कि भाई पहले एस ऑयल का पानी हमको दिलवाओ, वहाँ से आपके साथ तब खड़े होंगे। देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके, उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी, बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है, कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं। हमारा विषय है कि हम लैंड रोड की स्थिति, क्योंकि स्टेट के जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लैंड रोड की स्थिति की चिंता करेंगे, और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, या जब तक वहाँ दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई और कोई तरीका बात करनी है, तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं, कोई डेपुटेशन इस नाते से 20-30-50 लोगों का जा सकता है, हम हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे और दृश्य क्या बनेगा, दृश्य क्या बनेगा, लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार, यार यही देश चाहता है क्या? देश में इन चीजों की स्वीकार्यता नहीं है। नहीं, हमारा कोई एक मिनट ये पूछ रहे हैं, देखिए ये विषय है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, तो लॉ एंड ऑर्डर में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, तालमेल रखती हैं, हमारी पुलिस की उनकी पुलिस की सारी बातचीत हुई है कि देखिए आप उनको रोकिए, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, उनके लोगों को बोला ही है ना, और उनके लोगों को बोलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते ही हैं, और उसमें से आखिर आईबी की रिपोर्ट होती है, वो भी काम करते हैं। तो लैंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना, हमारा वर्डिक तो यह है कि लैंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखिए, कैसे रखना ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं होता। ये दूसरा सवाल ये है सर, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, कितनी हरियाणा में एफआईआर हो चुकी है सारे बॉर्डर्स के ऊपर इस वायलेंस को लेकर, उसका डेटा दे दीजिए। देखिए इतना तो मुझे पता है कि उसमें कुछ किसानों को भी चोट लगी है, कुछ पुलिसकर्मियों को भी लगी है, दोनों ही अपने भाई हैं, दोनों तरफ ही गलत हुआ है, पत्रकारों को भी लगी है, एक पत्रकार हमारे हॉस्पिटल में जितेंद्र सत्येंद्र चौहान वो तो हॉस्पिटल में ही हैं, तो लेकिन अभी एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं बता पाऊंगा कि भाई कितनी एफआईआर हुई हैं, किस उसमें हुई हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने एक सीमा का उल्लंघन किया होगा तो पुलिस ने जरूर एफआईआर की होगी। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर, 23 तारीख को बजट ला रहे हैं हरियाणा का, ये बताएं कि 23-24 का जो बजट विधानसभा में आने वाला है किस तरह का मान के चलेंगे? एक ही शब्द है, पहले भी वही था आज भी वही है, कि जनहित का बजट, जनहित का बजट, और इलेक्शन ईयर में बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता मैनिफेस्टो। लास्ट क्वेश्चन, इधर इधर पहले वो खड़े थे अपना। देखिए कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने किसी ने बात की हो, लेकिन व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं, किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई बार का के गलत संदेश देता है। एक एक सबसे पीछे पीछे नहीं, हमने पंजाब में नहीं की है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर की है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, उसमें कहीं कहीं जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ रोकने में थोड़ा आसानी होगी, वो होते हैं नहर नदी पुल, और वो पुल थोड़ा इधर है कि उधर है, उसको हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसमें कुल मिला करके
आज शाम को जो मेरी जानकारी है, आपकी भी जानकारी है, शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्री और उनके ग्रुप की जो भी उनके प्रतिनिधि हैं किसानों के, उन प्रतिनिधियों की चंडीगढ़ में एक बैठक है और मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई इसमें से समझौते में से रास्ता निकलेगा और निकलना भी चाहिए। ये लंबा इस प्रकार का जो विषय है विवाद का, तनाव का, ये ठीक नहीं है, किसके लिए भी ठीक नहीं है, ना हमारे पंजाब के किसानों के लिए ठीक है, ना हरियाणा के नागरिकों के लिए ठीक है। मिल बैठ करके इसमें रास्ता निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद।